दोस्तों मैं हूं जीशान आरिफ। आज फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर पर। जी हां, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे सर्किल यानी कि एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस तरह कौन सी वेबसाइट से ले सकते हैं, कैसे ले पाते हैं। जी हाँ, तो बहुत सारी जॉब में लगाते हैं या कहीं किसी अदर जगह पर लगाते हैं जहाँ पर उस रिलेटेड का आपसे एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र कि आप इस कैरियर में, इस सेक्टर में इससे पहले जो काम किए हैं, अगर किए हैं तो उसकी सर्टिफिकेट दीजिए, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं यानी कि अनुभव कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे फ्री में आप अनुभव सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट होता है वह किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्यूटर की सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस की, ब्यूटिशियन की, मैकेनिकल की, बहुत सारी कोर्स है जो आपको फ्री में यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जा रही है, और बहुत सारे ऐसे भी कोर्स है जो कि आपको पेड मेंबर यानी कि पेड करना होगा उसके लिए। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे फ्री में कौन कौन से कोर्स कराया जा रहा है, और आज के इसी वीडियो में आपको एक कोर्स में लाइव रजिस्टर करके और एक सर्टिफिकेट जनरेट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ecircleindia.org वेबसाइट का लिंक दे दिया। इस वेबसाइट के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आज नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलर कोर्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का कोर्स के सर्टिफिकेट जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग की, और यहाँ पे ब्यूटीशियन की जो सर्टिफिकेट होगी कोर्स की वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और यहाँ पे देख लीजिए डाटा एंट्री की सर्टिफिकेट वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, इसकी भी आप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के ले सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर के सर्टिफिकेट आप फ्री में ले सकते हैं, आयोग मित की सर्टिफिकेट आप फ्री में ले सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग का आप सर्टिफिकेट फ्री में ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत सारे कोर्स के दिए गए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कैटेगरी देख सकते हैं सभी कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक मोर कैटेगरी पे तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी तरह की कैटेगरी, किस तरह की कैटेगरी की आपको एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर है बहुत सारे हैं, जैसे कि बैंकिंग है, फाइनेंस सर्विस के हैं, और इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिशियन है, यानी कि मेडिकल है देख सकते हैं, हेल्थ केयर है, जिस चीज़ के आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, टेलीकॉम है, सभी तरह के यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। कुछ सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा लेकिन कुछ सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। इसके लिए इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। एक अकाउंट पहले इस पे जनरेट कर लेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे लॉगिन करना होगा, लॉगिन हमें नहीं करना, हमें एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पे साइन अप अस न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की ईयर देंगे, किस साल आपकी पैदाइश से वो देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, और यहाँ पे अपनी मनपसंद का पासवर्ड रखेंगे जिसकी 8 से 12 अक्षर तक होना चाहिए, उसी पासवर्ड यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ NSDC पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पूरी डिटेल देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर मेल आईडी देंगे तो यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके इस ईमेल आईडी पे एक OTP भेज दिया गया है, इस OTP को आपको देना होगा। तो OTP हमें मिल चुका है, हम इस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP देने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारी ये ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद पूरी फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ये पूरी फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर देंगे तो ये वेरीफाई के बटन आपको देखने को मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिल रहा तो मोबाइल नंबर देंगे, 1 से 2 मिनट का वेट करेंगे, ये वेरीफाई का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया, 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, प्लीज इंटर योर लॉगिन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन करना हो, यूजर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, जो पासवर्ड मैंने बनाया तो वो पासवर्ड देंगे, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन,
लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह के डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी कोर्स को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं। एमआई कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोर्स की डिटेल देख सकते हैं, कौन से कोर्स आपने इनरोलमेंट किया है, कौन से कंप्लीट हो गया, पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम हो जाए, यहाँ पर पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे टॉप रिलेटेड कोर्स है, जो कि टॉप कोर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, बहुत सारे टॉप कोर्स है जो फ्री में आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2019 एंड प्रोजेक्ट ऑनलाइन डेस्कटॉप का है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे वो सारी कोर्स आ जाएंगे जो आपको मैंने पीछे दिखाया था, हार्डवेयर है, ब्यूटिशियन है, डाटा ऑपरेटर एंट्री। तो देख लीजिए ये फ्री और इसकी ड्यूरेशन जो है 20 घंटे है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना, इस कोर्स में इनरोल करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हो उस कोर्स के पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर, लैंग्वेज और कोर्स प्राइस, जो कि बिल्कुल फ्री है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन, नेम, कितने घंटे की, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। जिस भी कोर्स में आप इनरोल करेंगे तो उस कोर्स पे क्लिक करेंगे, इनरोल बटन पे यहाँ पे देख सकते हैं, इनरोल बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तक आ जाएगा। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मैसेज है, इसे हम क्लोज कर देते हैं अभी। और यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूल फर्स्ट है, DEO मॉड्यूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। तो फर्स्ट मॉड्यूल को पहले कंप्लीट करेंगे, इसको मॉड्यूल पे क्लिक करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद कुछ इस तरह, उसके बाद यहाँ पे एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका क्लास स्टार्ट हो चुका, मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जा रहा, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा, जो कि बिल्कुल फ्री में, जो आप सुन सकते हैं। This program will facilitate an overview of IT industry, role and responsibilities of a data entry operator, IT industry specific key concepts, behavioral, professional, technical and language skills required for performing your job effectively, techniques of undertaking data entry services, method to manage your work to meet requirements, ways to maintain a healthy, safe and secure working environment. Let us talk about the skills that this program will train you in. Number 1, communication skills. Number 2, language skills. Number 3, technical skills. Number 4, decision making, problem solving and critical thinking skills. Number 5, planning and organizing. Number 6, customer centricity. Number 7, attention to details. Number 8, team working. The ground rules which should be kept in mind are: arrive and start on time. All participants are expected to participate in all phases of the workshop. Mobile phones of the participants should be switched off or in silent mode. Participants must adhere to the timelines. If the break given to the participants is of 15 minutes, then everybody has to be in the training room within those 15 minutes. All the doubts should be raised to the facilitator. They should not talk amongst themselves. Listen actively. Respect others when they are talking. Learn and ask questions if you don't understand. उसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरह के सभी यहाँ पे टॉपिक है, यानी कि सभी टॉपिक पे आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग दिए जाते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे इसे हम अभी रोक देते हैं इस ऑडियोज को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, मतलब सुनना होगा और समझना होगा, जिसे आप यहाँ वॉल्यूम को ज़्यादा कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी से नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ इस तरह दिया जाएगा और आप डाटा ऑपरेटर की जानकारी पूरी तरह ले पाएंगे बिल्कुल फ्री में।
और चलिए यहाँ पे जो इनके साथ कंपनी है, बहुत सारी कंपनी इनके साथ काम कर रही है, देख सकते हैं वो कंपनी के सारे नाम लोगों यहाँ पे दिख रही है, वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसे क्लोज करते हैं, क्लोज करके इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको मॉड्यूल 1 देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल 2 कंप्लीट करना है, मॉड्यूल 3, इसी तरह यहाँ पे जितने मॉड्यूल है सभी को कंप्लीट करना, उसके बाद आपको सेगमेंट करना होगा। यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट हो जाए, इस पर टिक मार्का लगा लेंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाए इसको इस बॉक्स में टिक मार्का लगाएंगे, टिक मार्का लग चुका है, उसके बाद सेकेंड में भी टिक मार्का लगा लेंगे। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, अगर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो इस मेथड से यहाँ से टिक मार्का लगाएंगे बॉक्स में, आगे बढ़ के आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं बिना ट्रेनिंग लिए। अगर ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपकी नॉलेज के लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे अभी सभी मॉड्यूल को मैं व्यू नहीं कर सकता इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मॉड्यूल पर क्लिक करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाए सभी भी यहाँ पे टिक बॉक्स लगाएंगे बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते मॉड्यूल 4 में लगाएं, मॉड्यूल 5 में, उसके बाद उसको सब इसी तरह सभी मॉड्यूल को आप कंप्लीट करें। सबसे पहला मॉड्यूल 1 जो है इस पर क्लिक करके आपको एक बार स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट करके आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं या क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद जब फर्स्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप ये सेकेंड थर्ड वगैरह कंप्लीट नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पे टिक बॉक में टिक लगा सकते हैं। उसके बाद हमें सेगमेंट कंप्लीट करना होगा, उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद सेगमेंट कंप्लीट करना होगा, उसके बाद फिर से एंटर बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कुछ इस तरह ओपन हो जैसे आप क्लोज भी कर सकते हैं या मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज करेंगे उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे इसमें अब ये सेगमेंट वाले बॉक्स जो इसमें टिक मार्का लगा लेंगे, अगर ये टिक नहीं लग रहा तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक हो रहा और ये सेगमेंट में भी टिक मार्का लग चुका है। अब इस सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, उसका कुछ इस तरह यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट है इस पर क्लिक करेंगे। उसका देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट जो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने देंगे। उसका देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, इस सर्टिफिकेट को आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट पे आप देख सकते हैं NSDC यानी कि नेशनल सर्किल डिप्लोमेंट कॉरपोरेशन के भी लोगो है, नाम है, यानी कि ये नेशनल लेवल पे भी इनका वैल्यू है। और इसे आप किसी भी काम में जहाँ पे डाटा ऑपरेटर के एक्सपीरियंस मांगा जा रहा हो वहाँ पे आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से डैशबोर्ड पाएंगे, कितने कोर्स को आपने इनरोल किया है वो दिखने को मिले, कितनी कोर्स आपको अपगोइंग है वो सारे दिखने को मिल जाएंगे। और यहीं से आप और ज़्यादा कोर्स भी कर सकते हैं, जितने भी ज़्यादा कोर्स करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह मैं अलग वीडियो में अलग कोर्स के बारे में बताऊंगा, एक ही वीडियो में हर कोर्स के बारे में बताना संभव नहीं है, इसलिए उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लिया होगा।